कहता है थ्री पार्टिकल इच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर एक की साइड कैपिटल एल है, हर एक की साइड कैपिटल एल है, इसकी भी साइड कैपिटल एल है, इसकी भी साइड कैपिटल एल है, इसकी भी साइड कैपिटल है। अब इस कैपिटल एल पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मास एम, उनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ यहाँ ओरिजिन दिया गया तो यहीं से मैं सेंटर ऑफ मास लोकेट करूंगा। तो देखो इसको करने के जो है, सबसे पहले अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो सबसे पहले जो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मासेस देखो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में है, तो सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर आएगा, एक्स में भी आएगा वाई में भी आएगा, और जेड सी एम तो इसका जीरो चला जाएगा, जेड सी एम कुछ आएगा नहीं, जेड में आएगा ही नहीं इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए तभी मैं निकाल पाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई पता करूंगा ना, तब तो फार्मूला लगाऊंगा। इसका कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एल बाई टू हो गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट निकाल लो, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ये 60 डिग्री है और ये एल बाई टू है, तो ये जो हाइट आ जाएगी, हाइट एच इज इक्वल टू एल साइन 60, एल साइन 60, एल साइन 60 मतलब रूट थ्री एल बाई टू। तो ये रूट थ्री एल बाई टू दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मास, ठीक है। तो अब सभी का एक्स भी पता चल गया, सभी का वाई भी पता चल गया है, तो अब मैं फार्मूला बड़े आराम से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लगाता हूँ एक्स सी एम वाई सी एम, तो देखो मुझे क्या मिलता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी एम क्या होता है बोलो, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, तीन मास है ना, तो तीनों के लिए लगाऊंगा, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है यार, तो जीरो ये चला गया जीरो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया एम एल प्लस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एम एल बाई टू, तो डिवाइडेड बाई मासेस कितने हैं, थ्री एम के इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, ये एल बाई टू है, इसका एल बाई टू है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा थ्री एम एल अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री एम एल, थ्री एम एल एम कर मतलब एल बाई टू पर आएगा, एल बाई टू मतलब प्लस एल बाई टू, एक्स की वैल्यू प्लस एल बाई टू, मतलब यहां से एल बाई टू ये वाली लाइन है, डॉट डॉट वाली लाइन, नीचे तो आ ही नहीं सकता, इधर इस लाइन पे कहीं आएगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, क्लियर है। चलो वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट देखो, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाओगे तो वाई सी एम कितना बनेगा यार, इसका चला गया जीरो, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इसका चला गया जीरो, ठीक है। और ये जो जो तीसरा वाला पार्टिकल था, तीसरा वाला पार्टिकल था, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था, रूट थ्री एल बाई टू, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा वो एक्चुअली इसका कोऑर्डिनेट, हाँ कर लो इसको कर लो, ये हाँ चलो वैल्यू डाल देते हैं, तो मास m और y कोऑर्डिनेट है रूट थ्री एल बाई टू और डिवाइडेड बाई इनकी मासेस दैट इज 3m, तो ये मासेस 3m के इक्वल है। तो फाइनली मुझे कैलकुलेशन में जो मिला m m कैंसिल हो गया, रूट थ्री एल अपान सिक्स, ठीक है। अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा l बाई टू रूट थ्री, ठीक है, L by 2 root 3, तो ये इसका Y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर ही कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है, L by 2 root 3 पे आएगा यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आएगा जिसका Y कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट L by 2 और ये L by 2 root 3। देखो एक और तरीका इसको कर सकते हो, हमको पता है
ठीक है, अगर ये फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो, थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो, ठीक है, तो है तो लगा लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ये मासेज हैं, अगर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये एम है और ये एम है, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसके सेंट्रॉइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो उसी पे होता है यहाँ पर, ये, ठीक है, यही सेंटर ऑफ मास है, हमें पहले से पता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर निकल जाए, तो वही इसका कोऑर्डिनेट निकालो एक्स और वाई, तो वही तो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट एल वाई टू आ गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही एल वाई टू आ गया बिना सॉल्व किए, क्योंकि हमें पहले से पता था कि ये जो सेंट्रॉइड है, ये वाली लाइन है, उसको एल वाई टू से डिवाइड करती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका एल वाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लाइन मिलाओगे तो ये एल वाई टू है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लगा दो, कौन सा लगा दें, टेन थर्टी का फार्मूला लगा दो, टेन थर्टी इज इक्वल टू, ये हाइट है, टेन थर्टी इज इक्वल टू हाइट, टेन थर्टी इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी एच अपान और बी की वैल्यू एल बाई टू, टेन थर्टी 1/√3 और दैट इज 2h/L, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी L/√3, है ना, आसान, ठीक है। तो हमेशा जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी, जो हमें पहले से पता था कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, उसके अगर मासेस रखे हुए हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उसके सेंट्रॉइड पे आएगा, और उसको मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, एज कम्पेयर टू दिस मेथड, दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव। बट ये हमेशा नहीं लगेगा भाई, और मान लो इसमें से 2m हो गया और ये 3m हो गया और ये m ही रह गया, तो फिर लगाओगे तो तुम गलत हो गए, ठीक है। अगर एम है तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी सही है, ठीक है। अगर ये 4m हो गया, ये 3m हो गया और ये m ही रह गया, तो यहाँ पे सेंटर आमाज नहीं आएगा भाई, इधर आ जाएगा कहीं, तो वो हमें नहीं पता, तो ये इससे करोगे, ठीक है। चलो, और एक इंटरेस्टिंग बात है पॉइंट मास का, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसका कॉन्सेप्ट यूज करके तुम कंटिन्यूअस मास वाले भी प्रॉब्लम कर सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर दो कंटिन्यूअस मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कन्वर्ट कर दो कंटिन्यूअस मास टू पॉइंट मास। मतलब एक रॉड है, रॉड वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, रॉड की लेंथ एल है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस रॉड को अगर मैं इस पॉइंट से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम मास यहाँ था और एम मास यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो अगर एक रॉड है, ठीक है, ये दो रॉड हैं, अब ये दोनों रॉड हैं, अब इनका यहाँ से सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो अगर इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मास हैं जिनका मास m है और लेंथ l है, और ये भी मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं पॉइंट वाला फार्मूला लगा दूं, एक तो तरीका हो गया फार्मूला लगाओ, दूसरा ये जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी इधर आ गई, तो यहाँ पे ये जो रॉड है, ये अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आता है तो ये मास m यहाँ आ गया, क्लियर है, और ये जो मास है वो यहाँ आ गया। अब देखो ये पॉइंट मास बन गए, रॉड नहीं रह गए, क्या बन गए, पॉइंट मास। और दो पॉइंट मास अगर इक्वल हैं, दो पॉइंट मास इक्वल होते हैं, am है तो m है, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मिड पॉइंट पे ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे आएगा, ठीक है, मतलब इस लेंथ का आधा मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास आएगा। इसका मतलब ये लेंथ है कितना यार, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L बाई टू, और ये लेंथ कितना हो गया L बाई टू, तो ये लेंथ कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से √2L/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसका आधा, मतलब √2L/4 पर आएगा सेंटर ऑफ मास, है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बेहतर, तो ये यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है टी शेप वाला, तो ये टी शेप का है, दो रॉड हैं जो दोनों
टी शेप से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास आपको यहां से लोकेट करना है, 0.0 से लोकेट करना है, ठीक है। तो देखो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ मेथड से देखो, ये रॉड है तो ये पॉइंट यहां बन गया यार, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, एम मास का रॉड है और लेंथ एल है, ये भी मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिड पॉइंट पे आ गया, जो कि यहां से एल बाई टू पर आएगा, ठीक है। अब ये एल बाई टू, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, इसका सेंटर ऑफ मास आया, दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा यहाँ पे, जो कि नीचे से माइनस एल बाई फोर पर होगा, है ना, क्लियर। डायरेक्ट वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस होगा ही नहीं। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते इधर यार, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में तीन रॉड मिलके बने हैं, ठीक है, और ये तीन रॉड, अब यहाँ से मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, थ्री रॉड है, ठीक है। तो थ्री रॉड है, तो अब इसको तुम एक्चुअल जो एक्स और वाई वाला फार्मूला लगाओगे तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर थोड़ा दिक्कत आएगा ना। तो ये ट्राइंगल का हमें पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये पॉइंट मास हो गया और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा एल बाई टू पर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा एल बाई टू कॉमा जीरो पर, और इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वैसे भी यार इस ट्रायंगल का यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगल का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा एल बाई टू, ठीक है, एल बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट वाला हाइट आ गया, ठीक है। तो ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये फिर वही टेन थर्टी लगा दो, टेन थर्टी इज इक्वल टू एच अपॉन टू एल, ठीक है। मतलब एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन टू रूट थ्री। तो वही है कि एच अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है, एल अपॉन टू रूट थ्री। तो ये एल अपॉन टू रूट थ्री। अब देखो इसको तुम पॉइंट वाले से करते तो बहुत एक्स निकाले, वाई निकाले, इसका कोऑर्डिनेट निकालते, फिर तुम लिखते, तो इट्स अ सो लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत सारे सवाल कर सकते इसे पॉइंट